ईरान ने किया इसराइल पर मिसाइल अटैक, तो क्या शुरू हो चुका है वर्ल्ड वॉर 3? रिसेंटली इसराइल डिफेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंग ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। CNN के मुताबिक ये सभी रॉकेट्स ईरान, इराक, यमन एंड लेबनान के हिजबुल्ला से हुए थे। पर आखिर ईरान ने ये हमला क्यों किया? देखिए, इसकी तीन वजह हो सकती है, जिसमें से सबसे पहली वजह है इसराइल का ईरान के कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक करना, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRCG के दो टॉप कमांडर्स मोहम्मद रजा जहेदी और मोहम्मद हादी हाजी रहीमी समेत 5 ऑफिसर्स की मौत हुई थी। दूसरा हो सकता है इलेक्शंस, क्योंकि ईरान में हाल ही में इलेक्शंस होने वाले हैं और अपने सिटीजंस का दिल जीतने के लिए और अपने आप को एक प्रो पैलेस्टीन गवर्नमेंट दिखाने के लिए ईरान ने अटैक किया होगा। और तीसरा हो सकता है कि ईरान एक्चुअली में गाजा के लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि इसराइल पर अटैक के बाद ईरान ने ही हमास को सबसे ज्यादा बैक किया था। आपको क्या लगता है कि ईरान ने अटैक क्यों किया और अब इस अटैक के बाद आगे क्या होने वाला है,